welcome back to my video and I'm super duper excited to make this video. Today I'm gonna to show my all the purchases which is I got Sarojini Market. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं आपको अपना सारा सामान दिखा दूं विद द प्राइस. गाइस इतने मतलब इतना रीजनेबल प्राइस पे मेरे को ये सारी चीज़ें मिली है ना. तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, कितने प्राइस पे मैंने उसको लिया था. आप भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे जैसे कि मैं भी हो गई थी. ठीक है, तो मैं रैंडमली चीज़ें उठाऊंगी और मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है. तो शुरुआत करते हैं. ओके दिस, तो दिस इज स्टॉकिंग्स. तो मैंने ये स्टॉकिंग्स लिया है, ब्लैक कलर का स्टॉकिंग्स है. यू कैन वेयर विद द स्कर्ट्स शॉर्ट्स, तो ये बहुत अमेजिंग लगता है. ठीक है, तो मैंने इसको ओनली 100 रुपीज में खरीदा है. तो सेकंड चीज मैंने खरीदा है ये ट्राउजर. तो ये ब्लू कलर का ट्राउजर है, देख सकते हो ये कुछ कार्गो स्टाइल में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये कार्गो स्टाइल में दिया हुआ है विच इज ओनली 150 रुपीज. और इतना अमेजिंग है ना, मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है. आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नीट क्लीन है. और ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस है तो इसकी क्वालिटी भी अलग होगी, नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. और इसके साथ ये जो पॉकेट्स दी हुई है ना, विच इज़ लुक कूल. अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मैंने ये ब्लेज़र ख़रीदा है विच इज़ रेड कलर, आप देख सकते हो. तो मैंने इसको ख़रीदा है 500 रुपीज़ में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फ्रॉक स्टाइल में, नीचे ब्लेज़र है ये पूरा. तो एक मतलब बहुत फिटेड है और जो उसका जो शेप आता है ना, विच इज़ कूल. इसके बाद मैंने खरीदा है वन मोर ब्लेजर विच इज सो 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 कूल एंड स्मार्ट पीस. तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस है ये, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, विच इज़ इन ब्लैक कलर जिसपे ये वाइट कलर के ऐसे फ्लावर दिए हुए हैं, देख सकते हो. ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था. ठीक है, तो ये मैंने खरीदा है ओनली 400 रुपीज. इसके बाद एक और ट्राउजर मैंने लिया है विच इज इन लेदर. तो गाइस ये ओनली मेरे को 300 रुपीज में पड़ा है और इतना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है ना. तो मैं ठीक है, इसके बाद मैंने ये स्वेटर खरीदा है. तो ये पैटर्न है स्वेटर का जो कि इतना ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है ना पहनने पे. तो दिस इज़ ओनली 400 रुपीज़. मैंने कुछ एसेसरीज भी ख़रीदा है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ. तो गाइस सरोजिनी नगर में एंटर होते ही आपको सबसे पहले ये चेन मिल जाएगी. तो इतनी सारी वैरायटी होती है चेन की. तो मेरे को जनरली मास्क के साथ ये चेन पहनना बहुत पसंद है. अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैं हमेशा एक चेन पहन के रहती हूँ. ठीक है, तो ये मैंने ख़रीदा है सरोजिनी नगर की स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा ओनली 450 रुपीज़ में भी. इसके बाद मैंने ख़रीदा है ये वाला इयररिंग, आप देख सकते हो. ठीक है, इसके बाद मैंने ये रिंग भी लिया है, दिस इज़ फॉर ओनली 30 रुपीज़. मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने ये भी ले लिया. ठीक है, इसके बाद मैंने एक ये झुमकी स्टाइल में रिंग है, रिंग के नीचे झुमकी है, तो ये मैंने लिया है ओनली फॉर 30 रुपीज़. इसके बाद मैंने एक ये पीस लिया है विच इज़ इन मिरर इफेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग और कूल लुक दे रहा है. ठीक है, तो ये भी मैंने ओनली 50 रुपीज़ का लिया है. ये वाला पीस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो ये मेरे को मिला था केवल 30 रुपीज़ में, अमेजिंग. ये पीस आपको सरोजिनी नगर के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा. ऐसी और भी बहुत सारे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी थे लेकिन मेरे को ये वाइट में ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने वाइट में ही लिया है. इसके बाद एक डिफरेंट पीस है, आप देख सकते हो रिंग में, दिस इज़ ओनली फॉर 30 रुपीज़.
इसके बाद आपको ये वाला पीस मिल जाएगा जो मल्टी कलर में है, तो ये भी मुझे मिला है ओनली फॉर 50 रुपीज़ में। तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है ये, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी में नहीं है ये, काफ़ी सारे पीसेस काफ़ी हल्के हैं, मतलब लाइट वेट के अंदर है ये, तो आप इसको बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। बाद मैंने ये चोकर ख़रीदा है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था मुझे ये, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ ओनली फॉर 100 रुपीज़, तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप किसी भी सूट और साड़ी के साथ इसको कैरी कर सकते हो, साड़ी के साथ ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट जाता है। ऐसी थी वो सारी चीज़ें जो मैंने सरोजनी मार्केट से बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे ख़रीदा है, नहीं तो 30 और 100 रुपीज़ में कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पे 20 रुपीज़ से स्टार्ट होकर आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे भी वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब तक के लिए बाय।